हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ताज किचन। आज मैं लेके आई हूँ चिली चीज़ टोस्ट। बनाने में बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाते हैं। ओटीजी में मैंने इनको बनाया है, आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका रेसिपी वीडियो। फ्रेंड्स, ये मैंने एयर फ्रायर में बनाई है, देखिए कितनी क्रिस्प बनती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं। आप इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए चिली चीज़ टोस्ट। इसमें थोड़ी मैं वेजिटेबल्स भी डालूँगी। मैंने इसके लिए लिया है कॉर्न को थोड़ा बॉईल कर लिया है, शिमला मिर्च को बहुत बारीक बारीक काटा है, ग्रीन कैप्सिकम है। इसके लिए मैंने दो ब्रेड स्लाइस ब्राउन लिए हैं, इन पे बटर लगा दिया है। ये बटर हैं, अमूल चीज़ लिया है, दिस इज चीज़ स्प्रेड और ये दिस इज मोज़रेला चीज़। इसको मैं ग्रेट करूँगी बाद में। और इसके अलावा मैंने लिए है सॉल्ट, नमक, चिली फ्लेक्स हैं इसमें, और ये थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेडीमेड आता है वो मैंने लिया है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर और ऑरिगेनो, दिस इज ऑरिगेनो फ्लेक्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना इसको। चिली चीज़ टोस्ट बनाने के लिए मैं मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अमूल चीज़ स्प्रेड जो है वो लिया है 2 चम्मच। मैं अभी 2 स्लाइस के हिसाब से तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। तो मैंने ग्रीन चिली भी काटी है तो इसको भी डालना है, क्योंकि नाम ही चिली टोस्ट है तो जब तक चटपटा नहीं होगा तो उसमें फ्लेवर नहीं आएगा मिर्च के बिना। थोड़ा कैप्सिकम और इसमें अब मैं मसाले डाल दूंगी सर। सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा डाली क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट होता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये आपकी इच्छा है, नहीं डालना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसमें आप फ्रेश पनीर भी घर का बना हुआ वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब मैं इनको ब्रेड स्लाइस पे लगा दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने इन पे पहले बटर लगाया था स्लाइस पर। वेजिटेबल आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, ना डालना चाहे तो प्लेन चीज ही लगा के भी आप बना सकती हैं। अनियन डालना चाहे तो अनियन भी लग सकता है इसमें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जियां डाल लीजिए। दोनों मैं स्लाइस तैयार कर रही हूँ। ये आप एज ए स्नैक में भी बना सकती हैं और ब्रेकफास्ट आइटम भी हो सकता है। देखिए हो गया रेडी, इसे लगा दिया, इवनली स्प्रेड कर दीजिए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीज़ ग्रेट करके डाल रही हूँ, वो मेल्ट होने के बाद बहुत अच्छी लुक देगा। आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं।
अब मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैं इसको, मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था पहले, अब मैं उसमें इसको लगा दूंगी। ये मैंने पहले बेक ऑप्शन पे किया है क्योंकि ये ब्रेड नीचे से भी थोड़ा इससे टोस्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको पहले बेक ऑप्शन पे रखा है। अब हमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको सिकने में, तब तक हम वेट करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अंदर ब्रेड तैयार हो गई है। मैंने पहले इसको बेक ऑप्शन पे रखा था ताकि नीचे से भी हार्ड हो जाए, फिर इसको ग्रिल पे कर दिया था। 5 से 7 मिनट लग गए हैं। अब मैं इनको, ओवन को ऑफ कर दिया है मैंने, मैं इनको निकाल देती हूँ। देखिए कितनी टेम्पटिंग बन रही है, अच्छी लग रही है कितनी। कितनी क्रिस्प बनी है देखिए आप। अब मैं इनको बीच में से, आप एज इट इज भी इसको सर्व कर सकते हैं, काटना चाहे तो आप इसके स्लाइस भी बना सकते हैं। स्लाइस बनाने के लिए मैं कटर से इनको कट कर देती हूँ। कितनी क्रिस्प बन गई है, आप भी ऐसे बनाइए। आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकती हैं, एयर फ्रायर में भी 180 डिग्री पर रख दीजिए, दोनों साइड से सिक जाता है, उसमें भी बहुत क्रिस्प बनता है। देखिए दिस आर रेडी टू सर्व नाउ। आप भी खाइए और सर्व कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शशि गुप्ता किचन।